हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिलन गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल एमजी एजुटेनमेंट। दोस्तों, आज का ये वीडियो एनएवएस के 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। आप लोगों का जो मार्कशीट अभी आया है डिजी लॉकर पे, आप लोगों को पता है, तो ये बात कर रहे हैं हम अप्रैल 2022 सेशन के अंदर जिन बच्चों का रिजल्ट आया है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मैं आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम्स बताऊंगा जो बच्चे स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले घबराने की कोई बात नहीं है, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। डिजी लॉकर में जो मार्कशीट आई है उसमें ना तो फोटो है ना डेट ऑफ बर्थ है। काफी सारे स्टूडेंट्स कॉल करके कह रहे हैं कि सर हमारी फोटो मिसिंग है। कोई कह रहा है सर डेट ऑफ बर्थ नहीं आया हुआ है, तो सर कहीं ऐसा तो नहीं होगा ओरिजिनल में भी हमारी डेट ऑफ बर्थ और फोटो नहीं आएगी। तो दोस्तों, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। अब मैं आपको एक क्लियर बताता हूं कि एनएवएस बोर्ड में पिछले 13 साल से हम काम कर रहे हैं। डिजी लॉकर पर जब ये मार्कशीट अभी आई थी पिछले साल भी अप्रैल और अक्टूबर सेशन 2021 के अंदर, जब बच्चों की डिजी लॉकर के अंदर मार्कशीट शो हुई थी, उसमें भी फोटो मिसिंग थी, उसमें भी डेट ऑफ बर्थ मिसिंग थी। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और ये अगर नहीं भी आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओरिजिनल मार्कशीट के अंदर आपको फोटो और आपका डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और बार बार कॉल करना भी जरूरी नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर इसका क्या प्रूफ है कि क्या पता ना आए, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, आप मेरी आंखों में देख के आइडिया लगा सकते हैं कि जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हम पिछले कई सालों से एनएवएस बोर्ड के स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं इस चैनल से। तो हमें तो मालूम है कि डिजी लॉकर पर कई बार फोटोज मिसिंग होती है और डेट ऑफ बर्थ मिसिंग होती है, तो इसके लिए घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है, वो आ जाएगा। दूसरी बात करते हैं एनएवएस की ओरिजिनल मार्कशीट कब और कहाँ आएगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो को देख रहे होंगे, शायद उनको इस बारे में ना पता हो कि डिजी लॉकर पे मार्कशीट जब आती है तो उसके बाद ओरिजिनल मार्कशीट जिसका आप इंतजार करते हैं बेसब्री से, वो कब आएगी और कहां पर आएगी। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपकी डिजी लॉकर पे जो मार्कशीट आई हुई है ये ओरिजिनल जब आएगी तो वो आएगी 20 तारीख के बाद। जी हाँ दोस्तों, 20 जुलाई के बाद आप अपने स्टडी सेंटर पर तुरंत जा सकते हैं और अपनी मार्कशीट की डिमांड कर सकते हैं। आपको मिलेगी वहाँ से आपकी मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट, जिसके लिए आपको कोई पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ वहां पर लेके जाएंगे अपना आई कार्ड और अपना कोई आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं, राशन कार्ड ले जा सकते हैं, जिसमें आपका नाम, पिताजी का नाम हो, फैमिली नेम हो जिसमें आपका नाम हो, आप वो ले जा सकते हैं। अगर आप उम्र आपकी ज़्यादा है, आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रखा है, तो वो भी ले जा सकते हैं। तो आईडी प्रूफ आपका एक चाहिए होगा, साथ में आपका आई कार्ड जिसमें आपका एनरोलमेंट नंबर होता है, और आपके स्टडी सेंटर आपको विजिट करना है, वहाँ से आपको ओरिजिनल मार्कशीट मिलेगी। एक छोटे से सवाल का जवाब और दे देता हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर इसका कुछ पेमेंट भी देना होता है। नहीं, इसका आपको कोई पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आपके स्टडी सेंटर से मिलेगी। बट अब यहाँ पर एक कंडीशन और बनती है, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसी प्रॉब्लम फेस करेंगे जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। जब आप स्टडी सेंटर पर जाएंगे और अपनी मार्कशीट की डिमांड करेंगे तो वो आपको ये बोलेंगे कि मार्कशीट हमारे पास नहीं है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर कि अगर वो 20 जुलाई के बाद आपको मार्कशीट नहीं देते तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इसके लिए आप जा सकते हैं अपने रीजनल सेंटर जिसका एड्रेस आपके आई कार्ड के बैक साइड पे दे रखा है, आप वहां जाकर अपनी मार्कशीट को रिसीव कर सकते हैं। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये 20 जुलाई के बाद आप जाकर चेक कर सकते हैं, आपके स्टडी सेंटर पर पहुंचा दी गई होगी और स्टडी सेंटर पर मिलेगी और 20 जुलाई के बाद मिलेगी, दोनों बातें मैंने आपको बता दी। हाउ टू गेट मार्कशीट एट होम, आप देखिए जरूरी तो नहीं है कि आप जिस सिटी से आपने पेपर दिए हैं इस वक्त भी आप वहीं हो। अगर सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई है, अगर आप कहीं और किसी और सिटी में हैं और आपको आपकी मार्कशीट चाहिए, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको ऑर्डर करके अपने घर पे भी मंगवा सकते हैं, चाहे वो आपका परमानेंट एड्रेस हो, चाहे वो आपका ऑफिशियल एड्रेस हो, आप वहाँ पे भी अपनी मार्कशीट को मंगवा सकते हैं। ध्यान रहे, मार्कशीट को मंगवाने के लिए आपको कुछ पेमेंट करना पड़ता है। ये आप एनआईवीएस की वेबसाइट www.nivs.ac.in में जाकर भी कर सकते हैं, या फिर सबसे सिंपल मेथड है, अपने स्टूडेंट पोर्टल को ओपन कीजिए और वहां जाके भी अपनी मार्कशीट को आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन आपके रेजिडेंस पे आ जाएगी। ये रेजिडेंशियल एड्रेस का प्रूफ आपको जब मार्कशीट के लिए आप अप्लाई करते हो, पेमेंट करते हो, तो उससे पहले उसका प्रूफ आपको जो है अपलोड करना पड़ता है, ताकि एनआईवीएस हेडक्वार्टर्स को ये पता चल जाए कि जो मार्कशीट वो भेजेंगे वो किस एड्रेस पे भेजना है। बिल्कुल बात क्लियर हो गई आप लोगों को? ओके, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, कमेंट करके मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज नीचे व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां पे कॉल करके इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना चाहो तो ले सकते हैं। मैसेज छोड़ दीजिएगा, शाम तक आपके पास रिप्लाई जरूर आ जाएगा, टीम बैठी हुई है, राइट। यहां पर मार्कशीट आप अपने घर पे मंगवा सकते हैं। इनकेस अगर आपको नहीं पता कि ये कैसे अप्लाई किया जाता है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है आपका एनआईवीएस बोर्ड के अंदर, पास होने की खुशी में कई बार हम भूल जाते हैं कि हम और चीज़ें भी हमें ध्यान रखनी होती है, क्योंकि मार्कशीट अगर एक बार आपने रिसीव नहीं करी तो ये समझ लो कि आपकी एक डेढ़ साल तो गया,
वो मार्कशीट आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। तो इसके लिए तुरंत ही अपने स्टडी सेंटर जाएं, रीजनल सेंटर जाएं, वहाँ से रिसीव करें। अदरवाइज आप होम डिलीवरी करवा सकते हैं, अपने घर पे मंगवा सकते हैं। इनकेस अगर आपको नहीं पता ये प्रोसेस कैसे काम करता है, नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, हमारी पूरी टीम बैठी हुई है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, तो हम भी इसमें आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी मंजूरी हो तो। अब हम करते हैं फाइनल एंड लास्ट बात। इफ यू हैव डेट ऑफ बर्थ इशू, दोबारा सुनो, इफ़ यू हैव डेट ऑफ बर्थ इशू देन व्हाट। अब ये डेट ऑफ बर्थ इशू क्या है? जब आपकी मार्कशीट जिसके अंदर डेट ऑफ बर्थ का इशू है, आपको पता है कि पिछले 4 महीने 5 महीने से आप चाहते हो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाए, लेकिन वो डेट ऑफ बर्थ किसी वजह से चेंज नहीं हो पाई है, तो दोस्तों इसका सही टाइम, बिल्कुल राइट टाइम जो है वो यही है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को ज़रूर चेंज करवाएं, नहीं तो आपकी मार्कशीट एक बार प्रिंट होकर आ गई और उस डेट ऑफ बर्थ को आप दोबारा चेंज करवाएंगे तो उसमें आपको 3 से 4 महीने तक वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि NMS बोर्ड के जो मेंस होते हैं उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, अभी अक्टूबर सेशन में भी व्यस्त होने वाले हैं। तो गाइज, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इशू है मार्कशीट के अंदर तो उसको तुरंत चेंज करवाएं। नहीं पता कैसे होगा तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे किस तरह से आपकी डेट ऑफ बर्थ भी आप चाहें तो उसमें करेक्शन करवा सकते हैं, मार्कशीट को अपने घर पर मंगवा सकते हैं। ये तमाम बातों, इन तमाम सवालों के जवाब हमारे पास हैं, राइट। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो आपको मोबाइल पे मिलती रहे इसके लिए आप मेरे चैनल MG एंटरटेनमेंट को, जो कि अब आपका हो चुका है, सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाली प्रॉब्लम्स के भी सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर तुरंत मिल जाएं। मैं बहुत जल्द मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।